देश टीवी की सुर्खियां में देखते हैं आज के देश विदेश की चर्चित खबरें। 4 जुलाई की सुर्खियां हैं, पाकिस्तान सरकार ने जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद और उसके 3 सदस्यों के खिलाफ आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने के मामले में मामला दर्ज किया है। पंजाब आतंकवाद निरोधक विभाग ने हाफिज के प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ यह कार्रवाई की है। आतंकवाद निरोधक कानून के तहत 5 प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ लाहौर, गुजरावाला और मुल्तान में दावातुल इरशाद ट्रस्ट, मुएज बिन जवाल ट्रस्ट, अल अनफाल ट्रस्ट, अल मदीना फाउंडेशन ट्रस्ट और अल हमाद ट्रस्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन मामलों में जिन्हें नामजद किया गया है उनमें हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, अमीर हफ्जा और मोहम्मद यहा अजीज शामिल है। इन लोगों पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें चैरिटी के नाम पर आतंकवाद के लिए वित्त पोषण प्रमुख हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी समूह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह कदम उठाया गया है। पाकिस्तान के आतंक विरोधी विभाग ने कहा है कि उसने 5 ट्रस्टों के जरिए रकम जुटाकर आतंकवाद को वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए जमात उद दावा के प्रमुख और 12 सहयोगियों के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए हैं। छत्तीसगढ़ में नए पीसीसी अध्यक्ष और क्षेत्र के विधायक मोहन मरकाम ने अपने पहले ही प्रवास में कोंडागांव के 7 नवजात शिशुओं को जाति प्रमाण पत्र देकर जिले को पूरे देश में पहला स्थान दिलाया है। इससे अब अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों को भविष्य में अपनी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवजात शिशु जाति प्रमाण पत्र वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की थी। पीसीसी अध्यक्ष के प्रमाण पत्र देते ही कोंडागांव नवजात शिशुओं को जाति प्रमाण पत्र देने वाला प्रदेश और देश का पहला जिला कोंडागांव बन गया है। एसडीएम टेकचंद अग्रवाल ने कहा कि अब भविष्य में लोगों को अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब तक लोगों को अपने बच्चों की जाति प्रमाण पत्र के लिए महीनों अधिकारियों और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। एसडीएम टेकचंद अग्रवाल ने कहा कि जिसके परिवार में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है उनके लिए परेशानी का सबब था। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में नियंत्रण रेखा के नज़दीक छम सेक्टर में एक धमाका हुआ जिसमें 5 पाक सैनिकों की मौत हो गई। धमाके में एक पाकिस्तानी जवान भी घायल हुआ है। पाकिस्तान की सरकार की एजेंसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक घटना वहां की बरनाला तहसील में हुई है। पाकिस्तान ने घटना के लिए भारतीय सेना की ओर से किए गए युद्ध विराम उल्लंघन को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान की ओर से मारे गए सैनिकों के नाम बताने के साथ ही कहा गया है कि घटना का कारण युद्ध विराम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी भी है। एजेंसी ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच पुलवामा में भारतीय सैनिकों के दल पर पिछले साल 14 नवंबर को हुए आत्मघाती हमले के बाद से नियंत्रण रेखा पर लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। इस हमले में 40 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को गंभीर बताते हुए पुलवामा में आतंकी हमले में भारतीय सैनिकों की शहादत और बाद में पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से किए गए शांति स्थापना के उपायों का विस्तार से जिक्र किया है। उनकी ओर से कहा गया है कि इससे पहले भारत की वायुसेना पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई भी कर चुकी है। पाकिस्तान अपने यहाँ किसी भी तरह के आतंकी प्रशिक्षण केंद्र होने के आरोपों से मजबूती के साथ इनकार कर चुका है। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित हैं। जगन्नाथ रथ उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है और दशमी तिथि को समाप्त होती है। इस दौरान इस रथ यात्रा में शामिल होने देशभर के लाखों श्रद्धालु पुरी पहुँचते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे तालध्वज पर श्री बलराम, दर्प दलन पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र और अंत में नंदीघोष पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं और इतिहास का वर्णन किया जाता है। बताया जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की चाह रखते हुए उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन को रथ में बैठाकर उसे नगर का भ्रमण करवाया था, जिसके बाद से यहां हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। दिल्ली की सीबीआई अदालत ने बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों की हत्या मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को और उनके सांसद भाई अफजल अंसारी समेत अन्य सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। करीब 14 साल बाद आए इस फैसले के बाद सवाल उठाना लाजमी है कि AK-47 से 400 राउंड गोलियां चली, 7 लोग मारे गए और कातिल कोई भी नहीं निकला। इस फैसले से कृष्णानंद राय हत्याकांड का राज भी दफन हो गया। 29 नवंबर 2005 की तारीख गाजीपुर के इतिहास में काला अध्याय की तरह है। इसी दिन मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था।
हमलावरों ने AK-47 से 400 राउंड गोलियां चलाई थी। सातों शवों से 67 गोलियां निकाली गई थी। इस मामले में 7 लोगों पर 14 साल तक मुकदमा चला, लेकिन कातिल कोई नहीं निकला। अब सवाल यह उठ रहा है कि हत्या किसने की। मामले में फैसला सुनाते हुए स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने हत्याकांड को भयानक करार भी दिया है। उन्होंने फैसले में लिखा है कि इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को दी गई थी। यदि गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। 3 जुलाई की देर रात हज यात्रियों का पहला जत्था मक्का के लिए रवाना हो गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुबारकबाद देकर उन्हें हज यात्रा 2019 के लिए रवाना भी किया। मोदी सरकार की पहल पर यह पहला मौका है जब हज यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्री का दर्जा मिला है। इसी के चलते पहली बार हज यात्रियों की फ्लाइट डोमेस्टिक एयरपोर्ट की जगह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से रवाना हुई। साथ ही हज यात्रियों को वो सभी सुविधाएं भी दी जा रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त यात्री को दी जाती है। पहले जत्थे में 419 हज यात्री रवाना हुए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि हज यात्रियों की रवानगी से पहले टर्मिनल 3 पर ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्तार अब्बास नकवी सहित दिल्ली सरकार के मंत्री और हज कमेटी से जुड़े काफ़ी लोग मौजूद थे। नकवी ने कहा कि वर्ष 2019 में 2 लाख भारतीय मुसलमान बिना किसी सब्सिडी के हज यात्रा करेंगे। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का इस्तेमाल सऊदी अरब और भारत के बीच किया गया है। यह ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था का नतीजा है कि सब्सिडी खत्म होने के बाद भी हज यात्रियों पर गैर जरूरी बोझ नहीं पड़ा। देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा भारतीय मुसलमान इस साल हज यात्रा पर जा रहे हैं। सलमान खान और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म इंशाल्लाह फिल्म का बज उस दिन से बना हुआ है जब से फिल्म को लेकर घोषणा हुई है। अब इस फिल्म की शूटिंग को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के लिए 3 लोकेशन को फाइनल किया गया है। सबसे ज़्यादा खास इंतजाम सिक्योरिटी के लिए किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान और आलिया भट्ट दोनों ही बड़े स्टार हैं। ऐसे में किसी भी जगह शूटिंग करना आसान नहीं है क्योंकि लोग उन्हें आसानी से पहचान भी जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संजय लीला भंसाली ने हाई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है। उत्तर भारत में वाराणसी की लोकेशन को फाइनल किया गया है। उत्तराखंड में भी फिल्म के अहम हिस्सों की शूटिंग होनी है। विदेश में शूटिंग के लिए अमेरिका को चुना गया है। मियामी और ऑरलैंडो के बीच को भी शूटिंग के लिए फाइनल किया गया है। फॉरेन की शूटिंग शेड्यूल के समय भी सिक्योरिटी को बहुत टाइट रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के समय भी सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की होगी। ऐसे में संजय लीला भंसाली भी उसी लेवल की सिक्योरिटी शूटिंग के समय चाहते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की सेमीफाइनल की टीमें लगभग तय हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं न्यूजीलैंड का भी सेमीफाइनल में पहुंचना तय है क्योंकि नेट रन रेट के मुताबिक वो पाकिस्तान से काफ़ी आगे हैं। अब टीम इंडिया के फैंस के सामने ये सवाल है कि आखिर टीम इंडिया सेमीफाइनल में किस टीम से मुकाबला करेगी, सेमीफाइनल का गणित और कैसे बेहद आसानी से टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँच सकती है। सेमीफाइनल में भारत से कौन सी टीम भिड़ेगी, इसका फैसला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के आखिरी लीग मैच से तय हो सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ जाएगी। ये मैच 11 जुलाई को होगा। वहीं अगर टीम इंडिया आखिरी लीग मैच में श्रीलंका को हरा देती है और साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया को मात दे देती है तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। भारतीय टीम वैसे तो ज़बरदस्त फॉर्म में है और वो किसी भी टीम को हरा सकती है, लेकिन अगर सेमीफाइनल में उसकी टक्कर न्यूजीलैंड से होती है तो इसके लिए फाइनल में पहुंचना आसान रहेगा। इसके लिए शनिवार के दिन साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया को मात देनी होगी और टीम इंडिया को इसी दिन श्रीलंका को हराना भी होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।